राज्य की बात है। राजा जी अपने महल में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। कौन आवाज कर रहा है? कौन है वहां? सिपाही, जरा देखो कौन है। अरे यार, ये खुजली खुजली, ये खुजली खुजली। कौन है? कौन हो तुम? चलो, राजा जी बुला रहे हैं। कौन हो तुम और क्या कर रहे थे? मैं एक भिखारी हूँ, मुझे पीठ में खुजली आई तो मैं अपनी पीठ खुजा रहा था। वाह, तुमने बिना डरे सच्चाई बताई, हम खुश हुए। सिपाहियों, इस भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। जल्दी ही ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कुछ समय बाद उसी तरह दो और भिखारी महल में पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि हम भी अपनी पीठ खुजाते हैं तो हमें भी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। राजा जी अपने कमरे में हमेशा की तरह आराम कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी और उन्होंने सिपाहियों को बाहर जाकर देखने को कहा। कौन है वहां? चलो, राजा जी बुला रहे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? हुजूर, हम दोनों को खुजली आई थी तो हम खुजली कर रहे थे। जी हाँ हुजूर, मुझे भी खुजली आई थी। सिपाहियों, इन भिखारियों की पीठ की खुजली ठीक करने के लिए इनकी पीठ पर 20-20 कौड़े लगाओ। लेकिन महाराज, आपने तो एक अन्य भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। उसने सच कहा था, लेकिन तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। यदि तुम चाहते तो तुम दोनों एक दूसरे की पीठ खुजला सकते थे। तुम यहाँ सिर्फ लालच के कारण ही आए हो। दोनों भिखारियों को मार पड़ने लगी और यह सब लालच के कारण ही हो रहा था।